ओम नमो नारायण। अभी अभी सूचना मिली और मैंने जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार को डरा हुआ पहली बार देखा। ये लोग, अब सोचिए, हम शांतिपूर्वक एक पंचायत कर रहे हैं, एक महापंचायत कर रहे हैं, उसमें उसके आयोजक और काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती जी को पुलिस आती और कहती है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि ये पंचायत नहीं होगी। वो आदेश नहीं दिखाती है कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि आप श्योर कीजिए कि कोई हेट स्पीच नहीं होगी। आप हेट स्पीच के नाम पर कि हम हेट स्पीच देते हैं, आप एक बार भी ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम हेट स्पीच दे रहे हैं। लेकिन अनर्गल एक विशेष समुदाय के दबाव में, मतलब मुस्लिमों के दबाव में आकर के आप संतों को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आपने दिनेशानंद भारती को जबरदस्ती पुलिस गाड़ी में बैठा करके ले गए कि वह पंचायत नहीं होगी। कब तक रोकेंगे, कब तक दबाएंगे? और नपुंसक हिंदू समाज आज भी सो रहा है, उसका संत सड़कों पर लड़ रहा है, वो साथ देने के बदले घर में बैठ करके, रजाई में बैठ करके अपने परिवार में लगा है। जिस दिन ये आग तुम्हारे दरवाजे तक आएगी, तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब महापंचायत, यह पूरे देश की महापंचायत होगी, आप कब तक रोकेंगे? हमने कहा हम ला वाइडिंग पीपल हैं, ला को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप अनावश्यक रूप से धारा 144 आज शाम को लगा दिए। तब तक हमारा टेंट लग चुका था, तब तक सारी तैयारी हो गई थी। आप आराम से पंचायत होने देते, आराम से बात होने देते, हम अगली योजना बनाते। हम बार बार ये श्योर कर रहे थे कि हम कोई ना हेट स्पीच देने वाले लोग हैं और ना कोई, अब हेट स्पीच उनको लग रही है, हमने सही बात कहने का प्रयास किया तो उनको हेट स्पीच लगती है। तो ये सही बात तो लगातार करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों की आवाज को नहीं दबा पाएगा। वो साबित करे कि हेट स्पीच क्या और अच्छी बात क्या है। क्या काफिर कहना, क्या बाजबुल कत्ल कहना, यह गलत बात है? हम तो यही कह रहे हैं कि कुरान में पढ़ने वाले लोग काफिर कहते हैं हमको और हम उनके बाजबुल कत्ल हैं, और वो शुरुआत कर चुके हैं। हमारी शोभा यात्राओं पे हमले हो रहे हैं, हमारी कार्यक्रमों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उल्टा हमारे संतों को गिरफ्तार कर रही है। दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार करना आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ओम नमो नारायण। आगे आगे देखिए क्या होता है।